किसी भी हालात में अपने सपने किसी को चुराने की इजाजत मत दो। लोग काम छुड़ाने की सलाह मुफ्त में देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि देखो, एक ना माने भाई और एक ना माने लुगाई। कई बार क्या होता है, लोग जुड़ते हैं तो पता क्या कहते हैं, सर टेंशन क्या है, दो लोग ज्वाइन करने ना, मैं जुड़ गया, एक तरफ अपनी वाइफ को ज्वाइन कर दूंगा, एक तरफ को भाई को ज्वाइन कर दूंगा। मैं फिर हमेशा उनको एक ही बात कहता हूँ, देख ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, प्लान दिखाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि एक ना माने भाई और दूसरी ना माने लुगाई। तेरी शुरुआत ही दो ऐसे लोगों से हो रही है तो तेरा क्या होगा भाई, कालिया तेरा क्या होगा। एक चीज जिंदगी में याद रखें कि किसी को भी अपने सपने चुराने की इजाजत मत दो, क्योंकि बहम की दवाई और नखरे की बिना लुगाई अभी तक कोई पैदा नहीं हुई मेरे भाई। क्या बात है गुरुदेव, बहम की दवाई और अब बिना नखरे की लुगाई, क्या बात है, ये अभी तक पैदा नहीं हुई मेरे भाई। अगर किसी इंसान के मन में बहम घुस चुका है और आप उसको उसका विजन क्लियर कर रहे हैं, उसका माइंड सेट कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको फॉलो थ्रू लगा रहे हैं, उसको चेक दिखा रहे हैं, पर बहम घुसा हुआ है, इसकी तो दवाई है ही कोई नहीं। इसलिए बहम की दवाई बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुए मेरे भाई। मैंने दूसरा सवाल अपनी अपलाइन से पूछा कि सर मुझे एक बात बताओ, अपने सपने पूरे करने के लिए कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है। बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जिंदगी के निसार हैं। मुझे अपलाइन ने एक बात बताई कि संजय दीमान, जिंदगी में कामयाब होने के लिए फायर का होना जरूरी है, जोश का होना जरूरी है, आग का होना जरूरी है। क्या तेरे अंदर आग है सपनों को पूरा करने की? मैं कहा सर जान लगा दूंगा जान। जी सर। कहते तेरे पास बाउंसिंग बैक एटीट्यूड है अंदर, तेरे वो बाउंसिंग बैक एटीट्यूड। मैं कहा सर वो क्या होता है, क्योंकि अपनी इंग्लिश इतनी फास्ट नहीं थी ना, इतनी पावरफुल नहीं थी, जो थोड़ी बहुत जानते थे वो भी गैरेज में हथौड़े मार मार के उसकी कान की टन 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 की आवाज सुन सुन के वो भी जा चुकी थी। यस सर। तो हमने अपलाइन से पूछा कि सर ये बाउंसिंग बैक एटीट्यूड क्या होता है। वहां बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने एक गेंद उठाई और दीवार पे मारी, जिस स्पीड में मारी थी उससे दुगनी स्पीड में वापस आई। कहता संजय धीमान इसे कहते हैं बाउंसिंग बैक एटीट्यूड, कि जब दुनिया तुम्हें पीछे दिखे ले, जब तुम्हारी समस्याएं तुम्हें पीछे दिखे ले, जब ये समय ये वक्त तुम्हारा साथ ना दे तुम्हें पीछे दिखे ले, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिद पे अड़े रहो और ये कहो कि मैं करके रहूंगा, इसे कहते हैं बाउंसिंग बैक एटीट्यूड। और इंसान की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है, हर 3 साल में, हर 4 साल में एक बार बाउंसिंग बैक एटीट्यूड की परीक्षा होती है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, थिंक पॉजिटिव, बिलीव पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। विश्वास उस पे करो जिससे तुम्हें फायदा होता है, विश्वास उस पे करो जिससे तुम्हारे सपने पूरे होते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, नजरिया क्या होता है, हम हर बार नजरिए की बात करते हैं दोस्तों, ये बातें हम इजी वे में कह जाते हैं। आज एटीट्यूड की क्लासें चलती हैं, लोगों का नजरिया सही करने के लिए पैसे पे करते हैं लोग, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कामयाब हो जाएगा। एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों, देखिए एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति गंगा में स्नान करके वापिस जा रहा होता है, तो एक पुलिया होती है उसके नीचे से वो निकलने लगता है, तो पुलिया के ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है, वो क्या करता है वहां से मिट्टी उठाता है उस व्यक्ति पे डाल देता है, वो व्यक्ति ऊपर नहीं देखता, वापिस गया गंगा में स्नान करके आया, वापिस आया उसने फिर मिट्टी डाली, ये फिर गंगा में गया स्नान करके आया, जैसे वापिस वहां से निकलने लगा उसने फिर मिट्टी डाली, और ये मिट्टी एक बार नहीं 21 बार डाली गई। कितनी बार? 21 बार डाली गई। जब 21वीं बार उसने मिट्टी डाली, वो वापिस नहा के आया, अब उसने मिट्टी नहीं डाली, वो गुस्से में आ गया और उससे सवाल करता है कैसा व्यक्ति है तू, बोले क्यों, बोले यार 21 बार तेरे ऊपर मैंने मिट्टी डाली, तूने एक बार भी सवाल नहीं किया।
तो वो व्यक्ति क्या जवाब देता है जिसपे मिट्टी डाली गई? बोले प्रभु नीचे आओ कि मैं ऊपर आऊं? बोले क्यों? बोले आपके चरण स्पर्श करने हैं मुझे। मेरी जिंदगी में तो क्या किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आया होगा कि जिसने एक ही दिन में गंगा में 21 बार स्नान किया हो। ये तो प्रभु आपकी माया है, ये तो आपकी माया है कि आपकी वजह से आज मैंने गंगा में एक ही दिन में 21 बार स्नान कर लिए। आपके चरण तो स्पर्श करने ही पड़ेंगे। इसको कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, मुझे मेरी अपने ने बहुत अच्छी चीजें बताई कि जिंदगी में अगर सपने पूरे करने हैं ना, तो इंसान 11 आदतों को फॉलो कर ले, वो कामयाब हो सकता है। ऐसे तो लाइफ में और जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया था मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। 11 पावरफुल हैबिट। सबसे पहली हैबिट है कि अगर आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो कल क्या करना है उसका प्लान आपके पास आज होना चाहिए। डू यू हैव प्लान फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर नेक्स्ट 1 month, फॉर नेक्स्ट 3 month, फॉर नेक्स्ट 5 month, 6 month, 1 year, 2 year, 5 year? डू यू हैव प्लान? आज प्रमोद कामयाब क्यों है? क्योंकि उसके पास अगले 3 महीने की प्लानिंग है। राहुल कैप पे क्यों है? क्योंकि उसके पास अगले 3 महीने की प्लानिंग है। गौरव का चेक बड़ा क्यों बनता है? क्यों वंटी कैप पे जाता है? आप देखो, जब जब भी हमने लोगों को प्लानिंग दी है और लोगों ने उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया है, तो जैसा हमने सोचा है उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर नतीजे मिले। कोई भी काम के नतीजे तब मिलते हैं जब उस काम को करने की प्लानिंग आपके दिमाग में समय से पहले ही बन चुकी हो। रात को जब आप सोते हो तो शंकाओं के साथ सोते हो, या कोई प्लान करके सोते हो कि भाई कल सुबह उठकर मैंने ये काम करने हैं। 80% लोग दुनिया में पता क्या सोचते हैं? छोड़ कल की बात यार, सुबह होगी तब देखेंगे। मतलब उनको तो ये विश्वास ही नहीं है कि उनकी जिंदगी की सुबह होने वाली भी है कि नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि भगवान आपको आशीर्वाद क्यों देता है, कि जब एक इंसान जिसको भगवान ने पैदा किया, जब वो कल के बारे में अगले 15 दिन की प्लानिंग, अगले 3 महीने की प्लानिंग, अगले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल की प्लानिंग करता है ना, भगवान उस पर खुश होता है। पता क्यों? कहता यार एक तू ही है जो मेरे पे भरोसा करता है कि मैं अगले 5 साल तो जीऊंगा ही, मैं अगले दिन तो उठूंगा। लेकिन दुनिया ऐसी है, अरे 15 रुपए की मूर्ति खरीद से मेरे से 15 करोड़ की डील करती है यार। कम से कम तू एक ऐसा व्यक्ति है कि कम से कम कुछ करने का प्लान तो कर रहा है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग एडवांस में तैयार होनी चाहिए। आपने अभी किस्सा देखा जो टीवी पे बहुत चला, सुशांत सिंह राजपूत का। उसने अपने कितने ड्रीम लिख के रखे थे, 51 या 55 ड्रीम लिख के रखे थे कि मैंने ये जिंदगी में करने हैं, और कुछ लिखे थे जो पूरे कर चुका था वो। जब आपके पास कुछ करने के लिए काम होता है तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपने आप को बेरोजगार फील नहीं करते। आप ये फील करते हैं कि मेरे सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इसको पूरा करना है। इसलिए कि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, पहले वो वजह लिखो कि आप इस सिस्टम में क्यों आए, फिर वो सपने लिखो, फिर कि ये सपने पूरे कैसे होंगे उसका एक परफेक्ट प्लान बनाओ। अभी रविंदर सर ने बंगला बनाने की शुरुआत की है, अभी पिछले 5-7-10 दिन से उनका घर का काम चल रहा है। रविंदर सर मेरे साथ पिछले 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं इस बंगले के लिए जी गुरुदेव, और बनाने से पहले पिछले 2 महीने मौला हमारे साथ टच में है। वो बता रहे हैं उन्होंने मेरे को उसके बहुत सारे नक्शे भेजे थे कि सारे इसका ऐसा ऐसा बनाना है, क्या करना है, तो हमने पास किया उसको कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। तो उसके हिसाब से पहले उसका प्लान बना, ऑन पेपर बना, बनने के बाद वो जमीन पे बन रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? एडवांस प्लान करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आप, यही वो कागज है जिसके ऊपर आपके पास राइट है कि आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो प्लान आपने जमीन पर बना दिया, जैसे आपने, कई लोग होते हैं क्या करते हैं जब घर बनाते हैं तो कोई प्लान नहीं बनाते हो,
कहते अपनी जमीन है, यहां से खुदाई करो, इधर का दरवाजा इधर कर दो, वहां से इधर कर दो, यहां बाथरूम बना दो, यहां किचन बना दो, बहुत हो गया। अक्सर ऐसा होता है, जमीन बहुत ज्यादा होती है लेकिन घर का कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता है। वो जैसे सांड नहीं होता बड़ा, उसकी वो जो उसके गर्दन देखो तो अलग घूम रही है, उसके पैर अलग घूम रहे हैं, उसका पेट अलग से फैला हुआ है, ऐसे उस मकान का नक्शा बना के रख देते हैं वो लोग। मासी आई घर में, मासी कहती बेटा, हाँ जी, हाँ मासी बोलो, बेटा घर तो तूने अच्छा बनाया लेकिन ये क्या बना दिया, ये दरवाजा इधर होता तो अच्छा होता। तुरंत फोन उठाया, मिस्त्री को फोन लगाया, इस दरवाजे को तोड़ के और यहां फिट कर दो। मासी आई, इधर का दरवाजा उखड़वा के इधर लगा के चली गई। अब थोड़े ही दिनों के बाद मामा आए, वो तेरा दिमाग खराब है, उधर दरवाजा कितना अच्छा लगता था, ये तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। बोले फिर बुलाओ मिस्त्री, मिस्त्री बुलाया, फिर दरवाजा तोड़ के वहां फिट कर दिया। विदाउट प्लानिंग काम हुआ है और आपको उसका बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ता है। एक दीवार जो फिट हो गई, जिसको जमीन की 4 फुट गहराई से ऊपर उठाया गया, अब किसी रिश्तेदार ने आके बोल दिया भाई साहब ये गलत कर दिया, मामा आया उसने गलत बोल दिया, मासी ने बोला ठीक है, फुफड़ आया उसने बोला ले तुम्हारा दिमाग खराब है, इधर तो मकान होना ही नहीं चाहिए था, मकान उधर होना चाहिए था। आप दे तेरी 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन उसको उखाड़ने में लगाते हैं, फिर अगले 4 दिन काम करते फिर उखाड़ने, तो इसमें आपको उसकी बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ रही है, बहुत सारा सीमेंट, बहुत सारी लेबर, बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपका वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर जब आप लिखते हो तो आपका क्या बेस्ट हो रहा है, आपका जिंदगी का प्लान बेस्ट हो रहा है, बेस्ट होने की बजाय वो बेस्ट हो रहा है। तो बिफोर वर्किंग एडवांस में प्लान करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको उसका कॉस्ट नहीं चुकाना पड़ता, कोई आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि वो प्लान इतना दमदार हो जाता है कि वो आपकी जिंदगी के जो सपने होते हैं उसको पूरा करने की वो कीमत खुद चुका देता है। दूसरा है कि जिंदगी में सपने पूरे करने हैं ना तो सुबह जल्दी उठिए। दोस्तों मेरी सुबह फ्लाइट होती थी बड़ौदा से, कई बार 5:30 बजे, कई बार 6 बजे, कई बार 7 बजे। आज तक सुना कि संजय धीमान की फ्लाइट मिस हो गई, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जिंदगी में जो इंसान पहले उठता है ना दोस्तों, उसकी जिंदगी का दिन खुद बहुत बड़ा होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बड़ी बनानी है, अगर आपको जिंदगी बड़ी बनानी है, बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, तो पहले आपको अपना दिन बड़ा बनाना होगा। आप अपने अपने आप को खुद को कितना टाइम देते हैं भाई साहब, सूर्य भगवान है लेकिन कई लोगों के खिड़कियों के पास आकर के पर्दे उठा उठा के देखता है भाई, उठा के नहीं उठा, घुसने की कोशिश करता है उसके कमरे में, लेकिन ये इतना ढीठ होता है, रजाई तान के सोया होता है। आप दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति देख लो, जो अमीर बना है, जो कुछ था नहीं पहले, आप किसी भी व्यक्ति को, आपके शहर का हो, कहीं का भी हो, उसको देखो, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपके ताया हैं, आपके पिताजी हैं, 4-5 लोगों का कंपैरिजन करो, जो ज्यादा कमा रहा है उसको देखो वो कितने टाइम सोता है, और उससे कम कमाता है उसको देखो वो कितने टाइम सो रहा है। अपने आप को जल्दी उठाने की कोशिश करिए। कहते ना कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, तुम उठते हो अभी तक जागे नहीं, जागने की कोशिश करो। तीसरी आदत क्या है कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपनी वर्किंग को लेके, अपनी मैनेजमेंट को लेके। Why I am Subhair? मैं इधर से पहले बना हूं। Because I am honest, मैं ईमानदार हूं। मेरे जोश में क्या आज भी आपको कमी नजर आती है? नहीं, बल्कि मैं पहले से ज्यादा डंबल उठाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैंने कसम खाई है 100 करोड़पति पैदा करने हैं तो करने हैं। अभी बहुत सारे कर चुका हूं, लगभग आधे बाकी हैं, अभी आधे बाकी हैं, तो अपना नंबर उनको खुद लगाना पड़ेगा। सर अगला मैं हूं, अगला मैं हूं, मेरे सामने आओ तो मैं उनको बना दूंगा। ठीक है, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपने जो प्लान बनाया है एडवांस में उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और आपको अपनी वर्किंग के ऊपर, आपको अपनी मैनेजमेंट के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर भगवान ने सोचा है कि आपको 6 लाख मिलेगा तो 6 लाख मिलेगा, जिस आप दुनिया के सिस्टम में हो कि मिलेगा, लेकिन अगर आपने कहीं से 10,000 ले लिया, कहीं से 15 ले लिया, कहीं से 25 ले लिया, तो जितना आएगा उसका 5 गुना जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लाख रुपए का चेक बना, आपने मान लीजिए 50,000 रुपया कहीं इधर उधर से सेटिंग किया, तो उसका 5 गुना कितना हो गया, 2.5 लाख। तो लाख का बना है वो, प्लस 1.5 लाख अगला बनेगा, वो भी चला जाएगा उसमें।
क्योंकि जब ब्लैक धन घर में आता है ना, जब ब्लैक धन घर में आता है, ये काला धन आता है तो बहुत कुछ काला करके चला जाता है ये, ठीक है। इसलिए ईमानदार रहिए अपनी वर्किंग को लेके, अपने पैसे को लेके, अपनी मैनेजमेंट को लेके। अगली आदत है कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी। किताब दुनिया में एक ऐसी दोस्त है दोस्त, जो आपसे दोबारा कि मुझे रिचार्ज करो उसके पैसे नहीं लेती, जो अपने फंक्शन चेंज नहीं करती। जो जिस किताब में मैंने आज से 7 साल पहले पढ़ा था, आज भी वो बात वैसी की वैसी ही लिखी गई है। किताब ही आपकी सच्ची दोस्त है जो अपने बयान चेंज नहीं करती। इसलिए किताबें पढ़ने शुरू करो, अपना ना कुछ टाइम निकालिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से चुराइए टाइम, व्हाट्सएप से चुराइए टाइम, फेसबुक से चुराइए टाइम, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ। एक किताब को 5-5, 10-10 बार पढ़िए, ठीक है। मुझे ये अपने ने बताया दोस्त कि आज संजय दीवान तुझे तरक्की करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो तुझे बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। हमें जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, जब हम यहां से जीतते हैं, यहां से दिमाग से। अगर आपको भी कामयाबी चाहिए तो अपने दिमाग को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम को सिर्फ अपने शरीर को फीड करने में लगे हुए हैं, सिर्फ शरीर को फीड करने में। आप अपने आप से सवाल करिए कि इसको तेज करने के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने इसको खुराक कब दी थी। हेलो, शरीर में मजबूती लाने के लिए आप जूस पी सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अच्छा हेल्दी फूड खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मन को मजबूत करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो क्या है, कामयाब लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि यही यही है जिसकी दम पे आप अपने सपने पूरे करोगे। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छी आदत यह है कि आपके पास रिटर्न में एक गोल होना चाहिए, क्लियर कट गोल, कि मैंने इस हफ्ते में ये काम करना है, मैंने इस हफ्ते में लोगों का विजन क्लियर करना है, लोगों की लिस्ट तैयार करवानी है, उनका 4 बेसिक क्लियर करना है, उनका होम मीटिंग लगानी है, वेबिनार लगाने हैं। पहले अपना गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए, ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि ये बहुत आसान है। जब दिल्लू और मिल्लू समझ जाते हैं ना, ये दिल्लू और ये मिल्लू, जब ये पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। दूसरा कि आपने प्लानिंग बना ली, आप जल्दी उठ रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आपकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आपके पास क्लियर कट गोल है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं 4 दिन काम किया, 4 दिन आराम किया। और ये नजर आपको अपने ऊपर खुद रखनी पड़ेगी। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब कोई सिर पे खड़ा है तो काम करो, नहीं तो विश्राम करो। यस सर, बिल्कुल है सर। आप देख लीजिए, कोई कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, अगर उसका सुपरवाइजर या उनका बॉस खड़ा है ना, तो सारे लोग एक्टिव, एकदम एक्टिव, किसी को टॉयलेट नहीं आएगी, किसी को प्यास नहीं लगेगी, किसी को भूख नहीं लगेगी, कोई जर्दा नहीं खाएगा, कोई खैनी नहीं खाएगा, कोई बीड़ी नहीं फूकेगा। लेकिन जैसे ही से सुपरवाइजर गया, ऊपर से फोरमैन कह रहा है भाई मसाला लेके आओ, कहता रुक जा टॉयलेट जाके आता हूं। उधर से दूसरा आवाज दे रहा है, ओ भाई साहब ईंट पकड़ाओ, कहता रुक जा थोड़ी खैनी खा लेता हूं। हैं, तो तीसरे को आवाज दो, ओ भाई साहब जल्दी कर, जल्दी मसाला तैयार कर, तो कहता रुक जा यार बीड़ी पी लेता हूं। ये खैनी बीड़ी और टॉयलेट में खत्म होगी इनकी यात्रा, क्योंकि इनकी जिंदगी का बॉस कोई दूसरा है दोस्त। जिंदगी में आपको अपना बॉस खुद बनना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। माइकल जॉर्डन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कहता वर्क हार्ड व्हेन नोबडी इज वाचिंग, कहता सबसे ज्यादा मेहनत तब करो जब कोई देख ना रहा हो, क्योंकि आपकी मेहनत को किसी की नजर नहीं लगेगी। और बड़ी से बड़ी पिक्चर दोस्तों ये तभी बनाई गई जब पूरा अंधेरा था। आपको पता है पिक्चर नेगेटिव में तैयार होती थी पहले,
बच्चे को देखना, ये जिंदगी जितनी भी है ना अंधेरे में बनती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहां को लाइट नहीं लगी ट्यूबलाइट कि बच्चा अंधेरे में रात को रोशनी चालू कर दो चलो जी ट्यूब जला दो, ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरे में एक जिंदगी जन्म ले रही है, अंधेरे में उसको कोई देख नहीं रहा, ऊपर वाला देख रहा है, उसके तार माँ के साथ जुड़े हुए हैं और वो जिंदगी का निर्माण होता है। जब जिंदगी में अंधेरा आता है, जिंदगी में सेटबैक आते हैं, समस्याएं आती हैं, तभी तो जिंदगी का निर्माण होता है। निर्माण उसी समय होता है, या तो एक लूजर का निर्माण होता है या तो एक विनर का निर्माण होता है। यस सर। अगली आदत है कि अपने काम से प्रेम करो, प्रेम करो, ऐसा नहीं क्या यार रोज रोज प्लान करो, फॉलोअप करो, ये करो वो करो, प्यार करो इससे। प्यार, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, क्या मुझे प्यार है काम से? मैं सोचूं ये मीटिंग ऐसे भी हो सकती थी, मैं नहीं लगाता, मतलब राहुल बोल चल मीटिंग आज राहुल करेगा, आज प्रमोद करेगा, आज रविंदर सर बोलेगा। ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों कि इनको को रोकना भी चाहे तो ये रुक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपने काम से प्रेम करता हूं। देखिए पूरी जिंदगी काम करना है या दो चार साल काम करके आराम करना है? पूरी जिंदगी काम करना है कि दो चार साल काम करके पूरे आराम करना है? हाँ, ये बात किसने बोली? कन्हैया जी, कन्हैया जी हैं। यस सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो तीन साल काम करने का मतलब है कि जिस काम में आप, एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जब नया नया आता है तो उसके लिए काम होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि ये कैसे करना है, इसके बेसिक क्या है, इसमें कामयाबी कैसे मिलती है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, उनको उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको नहीं पता होता है। तो वो दो तीन साल क्या करता है? काम करता है, काम करता है, काम करता है, और फिर सीखता है। और सीखता है तो फिर जब सीख जाता है तो उसको इस काम से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो पूरी जिंदगी काम नहीं करता, फिर वो इस काम से प्यार करता है। मैंने रविंद्र सर को देखा, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी घर में, कोई सी रिश्तेदारी में, तो ये कार लेके गए, उन लोगों को वहां छोड़ा और वहां कार में ही बैठकर बोला हमारे घर में लाइट नहीं, मतलब कोई बात नहीं, कार में ही बैठकर मोबाइल चालू किया, चार्जर लगा दिया और ढाई घंटे मीटिंग अटेंड करी। प्यार है ना, प्यार है ना, प्यार। काम को अपना महबूबा बना लो, महबूबा। जिस तरह एक प्रेमी अपनी महबूबा का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, जिनको मोहब्बत हुई है ना वो देखते होंगे थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि नहीं आया, फेसबुक में कोई मैसेज डाला कि नहीं डाला, स्टेटस पे कुछ रखा कि नहीं रखा, क्योंकि वो उनको मोहब्बत हुई है। और ये बार बार देखना उनको इरिटेट नहीं करता बल्कि मजा आता है उनको। इस काम को अपनी महबूबा बना लीजिए ताकि आपको जब बार बार ये प्लान करना पड़े, कोई कितने भी रिजेक्शन दे तो भी आपको ये मजाक लगे, तो भी आपको ये मजा आए, इसको आनंद आनंद मिले, आपको दर्द ना हो। तो दोस्त इसी तरह से जो भी इंसान जिंदगी में अमीर बना है उसने अपने काम से मोहब्बत की है। ये एक आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी और उसके बाद है खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। जब 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 इंसान सपने पूरे करने की तरफ आगे बढ़ता है ना तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहां पे मम्मी पापा साथ में नहीं जाते, भाई बहन साथ में नहीं जाएंगे तुम्हारी मदद करने, तो वो वहां पे आपको एक ही चीज है जो उस समय भी आपको आपके पैरों को मजबूत बनाए रखेगी, आप मजबूत एक योद्धा की तरह चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, वो है आपका खुद का विश्वास। खुद पे विश्वास करिए, दुनिया में कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। कुछ भी करने का मतलब क्या है? आप घर के काम करिए, आप झाड़ू करिए, पोचा करिए, बर्तन घिसिए, खाना बनाइए, मैं कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी करिए, आप किताब पढ़िए, प्लान करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक काम कभी मत करिए, वो क्या है? अपने खुद के ऊपर छंका मत करिए। नौवीं आदत पता क्या है? आशावादी बनिए, आशावादी बनिए। ऊपर की जितनी आदतें हैं समझ लीजिए वो आपके मन चाहे पेड़ को बोने का काम करती हैं, लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया है कि जब पेड़ को आपने बोया है उसको बड़ा होने में, उसकी परवरिश करने में टाइम लगेगा। आपको ये विश्वास रखना है कि अगर प्रबोध की कैप लगी, राहुल की कैप लगी, बंटी की कैप लगी, कन्हैया, गौरव, राजेश, पंकज ये कामयाब हो सकते हैं, रविंदर सर कामयाब हो सकते हैं, देव कुंदन कामयाब हो सकता है, इन शॉर्ट गुना टीम, देवगढ़ टीम, झाझा टीम, फिर औरंगाबाद की टीम, पटना की टीम, जमुई की टीम, एमपी की टीम, राजस्थान की टीम, अगर यहां पे लोग कामयाब हो सकते हैं
तो आपको भी इस सिस्टम में कामयाबी अवश्य मिलेगी, जी क्यों नहीं, आपको आशावादी बनना यस होगा, सर, यस सर, आपको एक आशावादी व्यक्ति बनना होगा। जब भी उठो तो दोस्त टेंशन के साथ नहीं, एक आशा के साथ उठो कि थैंक्स गॉड आज का दिन बहुत बढ़िया है और आज मैं वो करने वाला हूं जो अब तक अपनी जिंदगी में मैंने नहीं किया। और दसवीं आदत क्या है कि जिंदगी में अगर अपने सपने पूरे करने हैं दोस्तों, सपने पूरे करने का मतलब वो होता है कि आपको अगर मेहंदी लगाने का शौक है तो सिर्फ अपने शौक के लिए काम मत करिए, उस शौक से बिजनेस करिए। वो क्या है, कई बार क्या होता है लोग शौक के लिए खर्चा बहुत कर देते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपने शौक से बिजनेस करते हैं, वो कमाते हैं। जैसे कि आपको अपने हाथ लाल करने का शौक है तो मैं कहता हूं एक काम करिए, आप एक ऐसा शोरूम खोल लीजिए जहां पे सब लड़कियां आए अपने हाथ लाल करने के लिए कि मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो, आप उनके हाथ लाल करते करते आपके हाथ अपने आप मुफ्त में लाल हो जाएंगे और बिजनेस भी हो जाएगा। यही चीज है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कैप लगे, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं, अपने लिए कभी भी काम मत करिए। काम करना है अपनी टीम के लिए, काम करना है सपनों के लिए। तो आपकी जवाबदारी क्या है, इस सिस्टम में आते ही आप एक जवाबदार व्यक्ति बन जाते हो। क्या जवाबदारी है पहली आपकी, जब आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हो, जवाबदारी की ये जो जितनी हैबिट्स है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपकी जवाबदारी है। और आपकी जवाबदारी और बढ़ जाती है, वो डबल जवाबदारी हो जाती है जब आपकी राइट और लेफ्ट में दो लोग आपके ऊपर विश्वास करके जुड़ जाते हैं सिस्टम में। तो आपकी जवाबदारी बन जाती है कि मेरे सिर पे कर जाए भगवान, आज से मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि जो दो राइट और लेफ्ट जिन्होंने मेरे पे यकीन किया है उनको तो मैं करोड़पति बना के ही छोड़ूंगा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं करोड़पति बनने में, तो दोस्तों आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट हैबिट है कमिटमेंट, आपको अपने काम के प्रति उसी तरह से कमिटेड रहना पड़ेगा। ये जो जितनी आदतें हैं ये आपकी जवाबदारी है, आपको कमिटमेंट लेनी पड़ेगी कि जितनी मेरी आदतें हैं ये सारी मैं अपनी जिंदगी में उतारूंगा ताकि मेरे और मेरे पर विश्वास करने वालों के सपने पूरे हो जाए। जब आप ये कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो ही जिंदगी में आगे कामयाबी मिलती है दोस्तों, तभी जिंदगी में सपने पूरे होते हैं।